नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल 370 है और साथ ही साथ जो आर्टिकल 35 है उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। एमसीक्यू के माध्यम से मैं ये वीडियो जो है आपके साथ कवर करूंगी और बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी भी आपको दूंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप सभी प्रश्न जो है ध्यान से देखेंगे। अगर आपको जवाब आता है तो मेरे साथ आप आंसर करेंगे। ये पहला प्रश्न आपके सामने ले रही हूं, अनुच्छेद 370 के साथ और कौन सा अनुच्छेद है जो निरस्त हो गया है। ठीक है, तो एक तो आर्टिकल 370 जो है उसको रिवोक किया गया है, इसके साथ कौन सा दूसरा आर्टिकल है जिसको रिवोक किया गया है, तो वो है आर्टिकल 35A। ठीक है, अब आर्टिकल 35A क्या है ये मैं आपको यहां पर बता रही हूं, सब आप ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 35A जो है इसको राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था, और ये जो अनुच्छेद है ये जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा है उसको ये अधिकार देता है कि वो इस चीज को डिफाइन करे, इस बात को परिभाषित करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी नागरिक कौन होगा। वहां पर जम्मू कश्मीर में एक नागरिकता हुआ करती थी और एक भारत की नागरिकता हुआ करती थी, तो वहां के जो लोग हैं उनको दोहरी नागरिकता मिली हुई थी। तो ये जो अनुच्छेद 35A है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा को ये अधिकार देता है कि ये जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन को डिफाइन करे, और साथ ही साथ राज्य जिन नागरिकों को स्थायी घोषित करता है उनके कुछ स्पेशल राइट्स भी हैं जो वहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल जम्मू और कश्मीर जो है वहां पर केवल वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स ही प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, लैंड खरीद सकते थे, सरकारी नौकरी पा सकते थे, विधानसभा चुनावों में वो वोट वगैरह डाल सकते थे। और अगर कोई जम्मू कश्मीर का निवासी जो है वो राज्य से बाहर से किसी व्यक्ति से शादी कर लेता था तो वो वहां की जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता खो देता था। तो ये सारे का सारा था आर्टिकल 35A में, तो ये भी जो है इसको सेट असाइड कर दिया गया है अनुच्छेद 370 के साथ। ये प्रश्न एक था। आगे चलते हैं, यहां पर पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 370 है उसके अनुच्छेद 35A कब शामिल किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है। प्रश्न दो है, प्रश्न दो के लिए हमारा उत्तर यहां पर क्या होने वाला है, उत्तर जो है हमारा यहां पर होने वाला है 1954। आंसर यहां पर हमारा क्या है, आंसर सी है। अनुच्छेद 35A जो है 35A जो है इसको संविधान 1954 के तहत अनुच्छेद 370 में शामिल किया गया था। तो आंसर यहां पर क्या होगा हमारा, आंसर जो है यहां पर सी होगा, सी हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलिए, यहां पर पूछा गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस भाग के तहत दर्ज किया गया है। ये जो अनुच्छेद 370 है ये जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, राइट। अब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें जो है मैं ब्रीफली आपके साथ यहां पर डिस्कस कर देती हूं। आर्टिकल 370 जो है सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, ठीक है। अब उस स्पेशल स्टेटस में क्या क्या आता है मैं वो डिस्कस कर रही हूं। 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में केवल, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो केवल कुछ ही मामलों में जम्मू कश्मीर के बारे में कानून बना सकती थी, उसके पास केवल कुछ मामलों में कानून बनाने के राइट थे। वो राइट्स थे रक्षा के मामले में, डिफेंस के मामले में, विदेश मामले में और संचार के मामले में। इसके अलावा अन्य किसी भी विषय पर वो कानून वगैरह नहीं बना सकती थी और केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होता था। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर में अपना एक अलग झंडा था, जम्मू कश्मीर में अपना एक अलग संविधान भी था। मैं आपको जम्मू कश्मीर का झंडा भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर का झंडा था, ठीक है। अब तो खैर नहीं है, खत्म हो गया। और इस तरह से यहां पर देखो, मैं इसको आपको समझाती हूँ। यहां पर अगर आप देखिए जो लाल रंग है ये श्रम लेबर का प्रतीक है, यहां पर ये देखिए आपको हल नजर आ रहा है, ये एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो तीन क्षेत्र है ये जम्मू, जो ये तीन ज्योग्राफिक रीजन थे वहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जम्मू कश्मीर में अपना एक सेपरेट फ्लैग था, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, सिटीजन्स को वहां पर
वहां के जो सिटीजन्स थे उनको ड्यूअल सिटीजनशिप वगैरह मिली हुई थी। तो भारत की संसद जो है वो जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती थी। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दी गई थी, ठीक है। लेकिन अब आर्टिकल 370 और 35A दोनों को ही समाप्त कर दिया गया है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है, ठीक है, किस भाग के तहत दर्ज किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आंसर यहां पर हमारा ये है, ओके, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को ये विशेष दर्जा देता था। संविधान के भाग 21 में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के रूप में इसको शामिल किया गया। ये हमारा प्रश्न 3 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अगर एरिया की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा होगा। आपको अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब 2 और होने वाली है, और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के संदर्भ में ये देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी होगा। हमने अच्छे से देख लिया है कि आर्टिकल 370 और 35A को सेट असाइड करने के बाद अब जम्मू एंड कश्मीर को फिर से रीडिफाइन किया जा रहा है। वहां पर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जो है वो राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इन दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर देगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न 4 आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में किस विधेयक के पास होने पर जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आपको बिल का नाम बताना है, बहुत बार जो होता है बिल्स वगैरह के जो नाम है आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, ये हमारा आंसर है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जो है इसके तहत जो है एक तो जम्मू और कश्मीर वाला क्षेत्र होगा और लद्दाख जो है ये दोनों अलग अलग अब केंद्र शासित प्रदेशों में इनको विभाजित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन बिना विधान मंडल के एक नया केंद्र शासित प्रदेश होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ओके, यानी कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये नई यूनियन टेरिटरी है लेकिन इसमें लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे हमारा चंडीगढ़ है ना, बिल्कुल उस तरह से। क्वेश्चन 9 आंसर यहां पर होगा लद्दाख। आंसर यहां पर क्या है, आंसर यहां पर सी है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत राज्य को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन जम्मू और कश्मीर के पास अपनी विधायिका होगी, ये सारा मैं आगे कवर करा रही हूं इसी वीडियो में। लेकिन जो लद्दाख है वो अप लेजिस्लेचर के बिना है, वो बिना विधायिका, याद रखेंगे आप, वो बिना विधायिका है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न 6 था। जम्मू और कश्मीर को मिलाकर भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधायिका होगी, यानी कि आपको क्या बताना है, यहां पर आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर को मिलाकर भारत में कुल कितनी हमारी ऐसी यूटीज हैं जिनमें की लेजिस्लेचर है, यह आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, 7 के लिए मेरा आंसर क्या है, 7 के लिए आंसर जो है वो सी है, सी राइट आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको सीधे नियंत्रित करने के लिए, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करने के लिए भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल 7 हैं। मैं इन 7 यूटीज का नाम आपको नहीं बता रही हूं और चाहूंगी कि आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में उन 7 यूटीज का नाम लिखें। हाँ, मैं आपको ये जरूर बता रही हूं कि वो 3 कौन से हैं जिनमें की विधायिकाएं हैं, ठीक है। तो यहां पर दिल्ली और पुद्दुचेरी जो है ऑलरेडी उनमें लेजिस्लेचर है, ओके, बाकी जो है उनमें नहीं है, और अब जम्मू और कश्मीर में भी लेजिस्लेचर होगी, लद्दाख में तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मेरा आंसर क्या है, 7 के लिए आंसर जो है वो सी आपके लिए 3 है। तो दिल्ली में है, ओके, नंबर 1, दूसरा हमारा जो है पुडुचेरी में है, और तीसरा आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में विधायिका होगी, क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना प्रतिशत कोटा प्रदान किया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है।
यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो है 10% कोटा होगा। देखिए पहले क्या होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, वहां पर जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो लागू नहीं होती थी, राइट टू एजुकेशन है वो लागू नहीं होती थी, जो जॉब वगैरह में रिजर्वेशंस है वो सब लागू नहीं होता था। लेकिन अब जब ये स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया है तो चीजें अब वहां पर लागू होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आंसर यहाँ पर 10% है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया गया, और जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और सार्वजनिक रोजगार में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस का मतलब ही क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए 10% कोटा जो है वो दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर सी है। अगला, अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए किसने संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 को प्रख्यापित किया। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, कि कौन है वो, ओके, जिसने कि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए कहा। आसान सही प्रश्न है, आपको आंसर डेफिनेटली आना चाहिए यहां पर। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए किसने संविधान आदेश 2019 को प्रख्यापित किया है, यह आपसे पूछा गया है। आंसर है इसमें हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर जो है यहां पर रामनाथ कोविंद है। तारीख है हमारी 5 अगस्त 2019, आप तारीख भी याद रखेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए जो आवेदन था उस आदेश 2019 को प्रख्यापित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश 2019 की घोषणा की है, और यह आदेश अनुच्छेद 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर की दी गई विशेष स्थिति को प्रभावी ढंग से निरस्त करता है। तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, आंसर जो है हमारा सी है। मैं आपको यहां पर ये दिखाना चाहूंगी, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, यहां पर देखो रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 का कौन सा भाग राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के निष्क्रिय होने की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा आंसर क्या है, आंसर यहां पर खंड 3 है। ये जो आर्टिकल 370 है इसका पार्ट 1 भी है, इसका पार्ट 2 भी है, इसका पार्ट 3 भी है, तीन हिस्सों में है ये, ओके, एबीसी। अब इसका जो खंड 3 है उससे संबंधित है ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर सी है। जो अनुच्छेद 370 है उसकी धारा 3 जो है वो राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर की विशेष रूप से, ओके, विशेष रूप से अनुच्छेद के तहत किसी भी विशेष दर्जा जो दिया गया है उसको वापस लेने का अधिकार देती है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर जो है यहां पर हमारा सी है। अब केवल पार्ट 1 ही है जो एप्लीकेबल है, बाकी दोनों 2 और 3 जो है वो खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू और डैश के बीच हुए समझौते के कारण जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहां पर बेसिकली आपसे पूछा गया है कि अग्रीमेंट जो है वो किसके बीच था, तो उस समय थे महाराजा हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर यहां पर है महाराजा हरि सिंह। अगला प्रश्न, नई जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा। पहले जो कार्यकाल था वो 6 वर्षों का था, ओके, एक इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी कि पहले क्या स्थिति थी और वर्तमान में अब क्या स्थिति हो जाएगी। तो यहां पूछा गया है कि नई जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, जो कार्यकाल है अब 5 वर्षों का होगा, ओके, 5 ईयर्स, आंसर यहां पर हमारा ए होगा। नई विधानसभा में वर्तमान 6 वर्षों के स्थान पर पहले 6 वर्ष होते थे, अब 5 वर्ष का पीरियड के लिए होगा। अब तक विधानसभा के सदस्य 6 साल के कार्यालय के लिए चुने जाते थे, कार्यकाल के लिए चुने जाते थे, माफ कीजिए, और जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा 6 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले विधानसभा भंग की जा सकती थी। अब जो टाइम पीरियड है, अब टाइम पीरियड जो है 5 ईयर्स, आंसर यहां पर ए। जम्मू और कश्मीर विधानसभा की नई सदस्य संख्या क्या होगी, अब नई विधानसभा बन रही है, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही है, तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें कितने मेंबर्स होंगे, यही पूछ रहे हैं ना कि स्ट्रेंथ क्या होगी। हमने देख लिया टाइम पीरियड क्या होगा, 5 सालों के लिए फंक्शन करेगी, स्ट्रेंथ कितनी होने वाली है, स्ट्रेंथ जो है यहां पर होगी 107।
आंसर ए है 107, याद रखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करें। आने वाले जो एग्जाम्स हैं, मुझे उम्मीद है कि जरूर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हमने आपके लिए बनाए हैं इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। विधानसभा की सदस्य संख्या होगी 107, ओके, जिसे जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश यूटी में परिसीमन अभ्यास के बाद 114 तक बढ़ाया जाएगा। ओके, पीओके जो है उसकी 24 सीटें खाली होंगी। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर यहां पर क्या है हमारा, आंसर जो है यहां पर हमारा 107 है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहां पर अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सही है। आर्टिकल 370 को सेट असाइड करने के बाद, रिवोक करने के बाद, अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा सही है। जम्मू और कश्मीर में अब अलग झंडा नहीं होगा, बिल्कुल सही है, अलग झंडा नहीं होगा। ओके, पहले वहां पर अलग ध्वज हुआ करता था, अब वो अलग ध्वज जो है वो नहीं होगा, वहां पर भारत का झंडा ही फहराया जाएगा, केवल तिरंगा ही वहां पर अब फैलाया जाएगा। पहले जम्मू और कश्मीर जो था उसका अलग संविधान, अलग ध्वज, वो सारा कुछ था, लेकिन अब नहीं होगा। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, ये हमने देख लिया है। आपराधिक मामलों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी अब रणबीर दंड संहिता की जगह लेगा। ओके, यस, बिल्कुल सही। ओके, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सारे के सारे जो यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सारे सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मेरा आंसर क्या होगा, 14 के लिए मेरा आंसर जो है बिल्कुल डी होगा। ओके, आपको थोड़ी सी डाउट होगी, हो सकता है अगर है तो ऑप्शन सी के लिए हो सकती है, जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, आपराधिक मामलों और अनुच्छेद 356 से निपटने के लिए रणबीर दंड संहिता जो है आरपीसी उसकी जगह लेगी। इसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहले यह केंद्र शासित प्रदेशों यूटी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होगा। 14 के लिए आंसर डी है। अगला प्रश्न देखो, राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को उसके फेवर में, पक्ष का मतलब होता है फेवर में, उसके फेवर में, उसके पक्ष में उसको कितने वोट मिले हैं, ये हमारा प्रश्न है। उसके पक्ष में कितने वोट डाले गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो वोट डाले गए राज्यसभा में, ओके, राज्यसभा में जब वोटिंग हुई है तो टोटल 125 वोट जो थे वो पक्ष में थे, वो फेवर में थे, ठीक है, और विरोध में कितने थे, 61 वोट जो है वो अगेंस्ट थे। तो राज्यसभा में पक्ष में 125 वोट और इसके खिलाफ 61 वोटों के साथ इसको पारित किया गया है। विपक्षी बीएसपी, बीजेडी, एआईडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस ने बिल के पक्ष में मतदान किया है। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर हमारा यहां पर क्या होगा, आंसर यहां पर हमारा होगा 125। जम्मू कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें होंगी, ओके, ये भी प्रश्न है आपके सामने। यहां पर आंसर जो है हमारा 5 सीटें होंगी। लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, लोकसभा में सीटें जो है 5 होंगी। जम्मू और कश्मीर राज्य की जो है 6 लोकसभा सीटों में से 5 जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की है और 1 जो है वो लद्दाख की है। तो यहां पर आंसर क्या है हमारा, आंसर जो है 5 है। इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि लद्दाख में कितने, लद्दाख जो है उसके पास लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, तो उसके पास केवल 1 होगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 कब लागू किया गया था, क्वेश्चन नंबर 17, आपको डेट बता देते हैं, डेट है 1949। आंसर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर यहां पर भी होगा। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश का आधार था। उस समय तत्कालीन रियासतों के पास 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, भारत और पाकिस्तान बन रहे थे, तो उनके पास विकल्प था, या तो आप भारत के साथ जुड़ जाइए या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए। तो उस समय ये जो जम्मू और कश्मीर है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जो है वो 1949 में लागू किया गया था। ये हमारा यहां पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जम्मू और कश्मीर यूटी के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, जो नया चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको कौन अपॉइंट करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ओके, उसको अपॉइंट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। 18 के लिए आंसर हमारा सी है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 के तहत, ओके, ये भी पूछा जा सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ओके, एलजी जो है वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है वहां पर नियुक्त किया जाएगा, उनकी नियुक्ति होगी, वो भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल 239 है ये अनुच्छेद है।
ओके, तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 239 के तहत वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करेंगे, और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के मामले में एलजी को किसी भी न्यायिक कार्यों और अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार विरोध ब्यूरो से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री को एलजी द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। अब यहां पर बात आई है मुख्यमंत्रियों की, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जम्मू और कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही थी, और साथ ही साथ आप मुझे यह भी बताइए कि इस राज्य का अंतिम मुख्यमंत्री जो है एज अ स्टेट, जब यह स्टेट था आर्टिकल 370 के लागू होने से पहले, अंतिम मुख्यमंत्री कौन, और इस समय ओके जम्मू और कश्मीर के गवर्नर कौन थे। ये तीन चार चीजें जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगला प्रश्न, नए बिल के राज्यसभा में पारित होने के दौरान हाउस अरेस्ट के तहत कौन रहा। देखो, सरकार ने बड़ी तैयारी की, अभी जम्मू कश्मीर में वहां पर जो है इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, काफी सारे जो आपके सेपरेटिस्ट थे उनको नजरबंद वगैरह किया गया ओके, और उसके बाद फिर वहां पर काफी सारी सेना वगैरह को डिप्लॉय किया गया ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक रहे। तो यहां पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये दोनों ही आंसर्स हैं, तो आंसर यहां पर हमारा डी होगा। 19वें प्रश्न के लिए आंसर यहां पर डी है। पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद रखा गया जब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था। हालांकि दोनों नेताओं ने लोगों को शांत रहने और हिंसा का सहारा नहीं लेने का आग्रह किया है। तो आंसर यहां पर क्या है, आंसर यहां पर हमारा डी है। राज्यसभा में पारित होने के बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में पक्ष में कितने वोट मिले हैं। ओके, हमने कर लिया राज्यसभा के बारे में, अब हम कर रहे राज्यसभा में पारित होने के बाद अब लोकसभा की बात आ रही है, तो यहां पर आंसर होगा हमारा 370। आंसर यहां पर क्या है, आंसर यहां पर 370 है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, 370 पक्ष में और 70 जो है विपक्ष में ओके, वोट के साथ विधेयक जो है 6 अगस्त को पास कर दिया गया है ओके। तो ये 20 प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वीडियो में जो प्रश्न है वो भी डिस्कस किए, उन प्रश्नों से संबंधित जो तथ्य आपको आने चाहिए वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब मैं क्विज पर आपको ले आती हूं। आप मुझे बताइए कि अब भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या भारत में कहीं से भी लोग अब जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने में सक्षम होंगे। और तीसरा है, क्या गैर कश्मीरी से शादी करने के बाद कश्मीरी महिला को विरासत में मिली संपत्ति पर अधिकार होगा। ये जो तीन प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, ठीक है। थोड़े सोचने वाले प्रश्न है जो दूसरा और तीसरा है, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर पढ़ूंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।